नमक मिर्च तेज और बहुत सारे टोटके अवेलेबल हैं, लेकिन क्या वो वाकई काम करते हैं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लव टू कुक, यू कैन डू इट, हाउ आर यू ऑल। चलें जी, अब इसमें हो गया है नमक तेज और अब हम ट्राई करेंगे टोटका। आटे को घी से गूंद लें, ठीक है, और उसकी छोटी छोटी गोलियां बना के आप सालन में डाल दें, नॉन ग्रेवी सालन जिसमें शोरबा ज़्यादा नहीं होता, और फिर उसको थोड़ी देर पकने दें और उसके बाद गोलियों को निकाल लें तो नमक कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ट्राई करने वाले हैं कि वाकई ऐसे होगा। चलें जी, वी हैव कवर्ड इट और ओ, ओ ये क्या हो गया, वो गोलियां मिक्स हो गई, सारी आटा जो था वो मिक्स हो गया और नमक भी कम नहीं हुआ। लेट्स ट्राई प्लेन फ्लोर, सादा आटा मैंने सोचा ट्राई करूँ जो घर में हम जिससे रोटी बनाते हैं गूंद के। अब आलू बैंगन में मैं इनको रखूँगी और लेट्स सी कि ये नमक एब्जॉर्ब करते हैं या नहीं। इनको नमक एब्जॉर्ब करना चाहिए और सख्त हो जाना चाहिए बजाय ये कि मिक्स हों। ये ओह यस यस, ये मिक्स नहीं हुए, यू कैन सी। ऑल राइट, लेकिन नमक भी कम नहीं हुआ, नमक कम नहीं हुआ। ओ राइट, सो नॉन ग्रेवी डिश में नमक कम करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। ठीक है, चलें जी ग्रेवी डिश में ट्राई करते हैं जिसमें शोरबा हो, जैसे दाल चने या कोई और चीज़ जो शोरबे वाली हो। नॉर्मल आटे का पेड़ा था ये जो मैंने आपको दिखाया, ठीक है, और उसको अब हम इसमें डाल देंगे एंड देन आपने ज़रा आराम से डालना है, लेट इट कुक। ठीक है, उसको पकने दें और ये नमक एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, चलें जी, सालन पक चुका है ना, घी ऊपर आ गया, देख रहे हैं आप, और हमारा पेड़ा जो है, यस, ये भी सख्त हो चुका है एंड थैंक गॉड घुला नहीं है, और नमक भी बैलेंस हो गया था। ठीक है, नमक को फ़र्क पड़ गया था, और अगर ज़्यादा नमक फिर भी लगे तो एक और पेड़ा डाल दें, एक निकालने के बाद एक और डाल दें। यस यस, सो इट डिड वर्क, इसने काम किया। चावलों में नमक तेज़ हो जाए, वैसे तो चावलों में नमक तेज़ हो जाए तो चावल आपको नमक के हिसाब से थोड़े से और बना के उसमें मिक्स करने पड़ते हैं, मतलब वही ज़्यादा बेस्ट रहता है। बट एनीवेज, मुझे टोटके का पता चला कि आप आधे चावल निकाल लें और आटे की रोटी बेल के उसको चावलों के ऊपर रखें और फिर बाकी के चावल उसके ऊपर डाल दें और उसको दम पे रख दें। ठीक है, तो दम के बाद नमक भी कम हो जाएगा। चलें एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। अब आधे चावल मैंने निकाल लिए हैं और इसमें अब मैं रखने वाली हूँ आटे की रोटी, यस, और फिर देखेंगे क्या होता है। इसके बाद मैं आपको खट्टी जो डिश हो जाती है ना बहुत ज़्यादा, उसको बैलेंस करना भी बताऊँगी और हम चेक करेंगे उस पर कितने के तरीके काम करते हैं। चलें जी, दम पे रख दिया है मैंने एंड नाउ आई एम गोइंग टू ओपन इट। ओके, आई वॉज बिट अफ्रेड कि कहीं रोटी जो है वो मिक्स ना हो जाए चावलों में और फिर चावल भी ज़ाया, तो बहुत ही एहतियात से ज़रा मैंने पहले चेक किया कि रोटी वाकई गल चुकी है। सो यस, थोड़ा सा मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि रोटी कहाँ करके है, बट एनीवेज आई हैव यस, हाँ ये मुझे पता चल गया, दिस इज़ रोटी। हाँ जी, लेकिन ये टूट गई, हाँ टूट गई, लेकिन बड़े टुकड़े हुए हैं इसके, मिक्स नहीं हुए, तो उनको मैंने एक एक करके निकाल लिया और बाद में फिर इसके ऊपर से चावल उतार के तो वापस हंडिया में डाल दिए, लेकिन नमक कम नहीं हुआ, नहीं हुआ, राइट, सो इट डिडंट वर्क वेल। नए चावल बना के ही मिक्स करने पड़ेंगे तो वही आपके लिए कारगर रहेगा काम ज़्यादा। टू स्पाइसी, मिर्चें बहुत तेज़ हो गई हैं, अब क्या करें। ऑल राइट, प्याज को ब्राउन करें, ठीक है, और उसको मसल के आप डाल दें और ऊपर से लीमू निचोड़ दें और उसको थोड़ी देर दम पे रख दें। एंड येस इट डिड वर्क, मिर्चें कम हुई, ठीक है, मिर्चें बैलेंस हुई ज़रा सी। तो नॉन ग्रेवी डिश में भी हम इजीली प्याज ऐड कर सकते हैं और वो मिक्स हो जाएगा, क्रश हुआ हुआ प्याज, लीमू भी डाल सकते हैं उसमें, और चावलों में भी प्याज आप डाल सकते हैं इसी तरह से जब तक चावल नहीं डालें, या चावल डाल भी दिए और थोड़ा सा पानी भी है। सो यू कैन डू दिस फॉर ऑल द डिशेज, ठीक है, आप तीनों चीज़ों के लिए ये कर सकते हैं, फॉर द ग्रेवी डिश, नॉन ग्रेवी एंड राइस ऑल्सो, राइट। सो ऑनियन इज़ द बेस्ट फॉर स्पाइसेस। अब हम देखेंगे इसके बाद के जब खट्टा खाना हो जाए और खाया ना जाए तो फिर क्या करें। ऑल राइट, सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज़ मिल्क, ठीक है, ये लीजिए ग्रेवी डिश है, उसमें हाफ ग्लास या जितना है आपका, उतना सालन पे डिपेंड करेगा कितना है, और उसमें डाल दें और ये वाकई सावरनेस को बैलेंस कर देता है, ठीक है, आपकी जो खट्टा सालन था जो खट्टे दही से कभी कभी हो जाता है बहुत ज़्यादा, इट विल बैलेंस इट आउट। सो फॉर ग्रेवी डिश मिल्क इज़ बेस्ट,
फॉर नॉन ग्रेवी डिश, अभी अगर तो गलने में टाइम है थोड़ा सा और पानी डालना है तो पानी की बजाय आप दूध डाल दें, ठीक है। एंड इफ़ इट इज़ कुक्ड तो फिर आप उसमें शामिल करेंगे फ्रेश क्रीम, राइट, और इससे सावरनेस उसकी बेटर हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी काफ़ी हद तक। सो डिपेंडिंग ऑन योर क्वांटिटी आप उस हिसाब से उसमें क्रीम ऐड करें और उसको इन्जॉय करें। एंड फॉर द राइस उनमें आप अगर तो गुंजाइश है पानी और डालने की तो फिर मिल्क ऐड कर लें। सो मिल्क इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू इन दिस सावरनेस एंड यू कैन बैलेंस इट आउट, आप बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं मिल्क के साथ सावरनेस को। ओके, सो ज़रूर ये टिप्स ट्राई करें जो जो मैंने आपको बताई हैं। इनमें से आटे वाली और मिल्क वाली तो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छी रहती हैं वो। ऑनियन वाली भी इस बार अच्छी रही। डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरा बेटा कह रहा आपको कि मामा के चैनल को सब्सक्राइब करें, राइट, एंड डू कमेंट बिलो और ज़रूर मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक करें।